पानी भर के लाओ बाद में फिर तुम खाओ। महाराज हरी चंद्र को लेकर के चलते हैं नदी पर पहुंचे। महाराज हरिचंद ने नदी में घड़ा को भर दिया। कुछ लोग कह देते हैं कि गंगा थी, लेकिन उस समय गंगा जी थी नहीं। जब जो चीज पहले उपलब्ध ही नहीं है वहां पर हम जा कैसे रुक सकते हैं, क्योंकि हरिचंद की कई पीढ़ियों के बाद गंगा जी का आना हुआ था। गंगा नहीं थी उस समय। अब घड़ा को भर लिया है लेकिन उठा नहीं पाए। थोड़ी देर बैठे रहे, कोई आए। उसी घाट पर महाराज हरिचंद की पत्नी तारा जल देने के लिए आई है। देखा है आज तो हमारी रानी तारा, अब मेरा घड़ा उठ जाएगा। उसी समय रानी तारा ने देखा है और महाराज हरिचंद ने देखा कि हमारी रानी तारा जवाब दिया महाराज को हार रानी ने जवाब दिया रानी अबे बात करने का समय नहीं है, जल्दी से मेरे घड़ा को उठवा दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जवाब दिया महाराज मैं तुम्हारी घड़ा को नहीं छू सकती। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में जो घड़ा है वो एक मैत्र का है और मेरे हाथ में जो घड़ा है वो एक ब्राह्मण का है। अगर मैंने तुम्हारे घड़ा को टच किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज हरिचंद कह रहे हैं रानी उठवाए Thank you.